मेरा ड्यूक 390 कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा ड्रीम बाइक आ चुका है। हमारा बाइक का थोड़ा राइड करके आपको दिखाते हैं। मेरा एक्चुअली एज है 18 इयर्स पे। इतना बड़ा इंजन के बाइक दिलवाना नहीं चाह रहा था, तो मेरा ड्रीम था RC 125 लेने का, लेकिन तभी क्योंकि मैं मोटो ब्लॉगर हूँ, मेरा मन था 390 में ही। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है। तो एक्चुअली रीज़न ये था, मैं थोड़ा प्रॉब्लम पे था इसीलिए वीडियो भी नहीं आ रहा था। और तो चलिए आज का कहानी स्टार्ट करते हैं। आज का कहानी बहुत ही लंबा है, तो शॉर्ट पे बताने की कोशिश करता हूँ आपको। तो एक्चुअली बात यह है कि मैं एक बाइक लेना चाह रहा था बहुत दिन से। तो मेरा ड्रीम था RC 125 लेने का, लेकिन तभी मैंने राजा भैया का बाइक चलाया। राजा भैया का भी बाइक है ड्यूक 390। राजा भैया का ड्यूक 390 चलाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि RC 125 में वो मज़ा नहीं मिलेगा जो ड्यूक 390 में मज़ा है। क्योंकि 125 पे एक तो पावर कम मिलेगा और फीचर भी थोड़ा कम है। लेकिन तभी राजा भैया सजेस्ट किया कि ड्यूक 200 ले लो। लेकिन मैंने तभी सोचा कि ड्यूक नहीं लूँगा, RC लूँगा। तो और मुझे 200 भी उतना अच्छा नहीं लग रहा था तब 390 चलाने के बाद। तो 390 चलाने के बाद 125 cc लेने का नहीं, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन तभी मैंने सोचा कि क्यों ना 390 लिया जाए, RC 390। लेकिन राजा भैया समझाया कि RC अगर लोगे तो तुम्हारा वीडियो भी उतना अच्छा बन नहीं पाएगा क्योंकि मैं मोटो ब्लॉगर हूँ इसीलिए, और तुम वो मज़ा नहीं पाओगे RC 390 में जो ड्यूक में मज़ा है। तो तभी मैंने डिसाइड किया तो चलो ड्यूक लेते हैं। मेरे पास चॉइस में था ड्यूक 200, लेकिन तभी सोचा ड्यूक 200 जितने पैसे में लूँगा और थोड़ा पैसा ऐड करके एक 390 हो जाएगा। तो तभी मैंने सोचा 390 लेना है, ये डिसाइड कर लिया। लेकिन 390 का बजट भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, और वो ड्यूक 390 उस टाइम पे मार्केट पे BS6 आ गया था जब मैं सोच रहा था, लगभग 8-9 महीना पहले। तो तभी मैंने सोचा कि PS4 का ही लेते हैं क्योंकि BS6 का जो कलर है बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जितना अच्छा BS4 में मिलता था जितना अच्छा पावर, उतना अच्छा पावर PS6 में बिल्कुल नहीं मिल रहा था। थोड़ा पावर की कमी हो गया था BS6 होने के कारण, और कलर भी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था। तो तभी मैंने डिसाइड किया कि BS4 का गाड़ी लेंगे। ड्यूक 390 जब पसंद आ गया तभी मैंने ढूंढना चालू कर दिया कि BS4 का गाड़ी किधर मिलेगा अच्छी कंडीशन में, बिल्कुल नया कंडीशन में मिलेगा ऐसा। तो तभी मुझे मिल गया एक भैया का गाड़ी, ये पहचान का ही था। तो ये गाड़ी मुझे मिल गया था, कुछ डाउन पेमेंट देना था उन लोगों को क्योंकि ये फाइनेंस पे लिया गया था। वो भैया के हाथों में कुछ देना पड़ा और जो फाइनेंस जितना है वो फाइनेंस मुझे चलाना पड़ रहा है अभी। तो ऐसे करके ये गाड़ी ले लिए। प्राइस नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ नया से थोड़ा बहुत कम मिला क्योंकि इसका कंडीशन बिल्कुल अच्छा कंडीशन पर था। यह गाड़ी सिर्फ 3000 के आसपास चला हुआ था, और पेपर्स के हिसाब से माने तो ये गाड़ी 2 से 2.5 महीना पुराना है। तो 2 से 2.5 महीना गाड़ी हमको थोड़ा बहुत कम पैसे में मिल गया, लेकिन शुक्र है कि अच्छा कंडीशन में गाड़ी है, बिल्कुल नया कंडीशन में। कुछ ही दिन पहले इस गाड़ी का नंबर प्लेट हुआ है, तो देख सकते हैं नंबर प्लेट। तो गाइस, मेरा एक्चुअली एज है 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स की उम्र में बाइक घर पर, इतना बड़ा इंजन के बाइक दिलवाना नहीं चाह रहा था। बोल रहा था 125 ले ले या फिर कुछ और ले ले, लेकिन मेरा मन था 390 में ही क्योंकि इसका जो एग्रेसिव पिकअप है ये बहुत ही है, मतलब 0 to 100 सिर्फ 5 सेकंड में पकड़ लेती है। और इसका स्पीड मतलब एक कंट्रोल करने में मुझे भी थोड़ा पहले तकलीफ होता था, लेकिन अभी धीरे धीरे करके कंट्रोल आ चुका है। तो एक्चुअली एक बड़ा इंजन है, मतलब इसको आप ऐसे ही स्टार्ट दे के थ्रोटल नहीं घुमा सकते, नहीं तो आपको किधर लेके फेंकेगा आपको भी पता नहीं चलेगा। अभी फिलहाल KTM की फील्ड में ड्यूक 390 सबसे महंगा बाइक है KTM के अंदर, क्योंकि KTM के अंदर अभी 790 लॉन्च नहीं हुआ फिर से BS6 वाला। तो अभी फिलहाल ड्यूक 390 का प्राइस सबसे हाई चल रहा है KTM के अंदर। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा ड्रीम बाइक आ चुका है। अभी से रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा इस ड्यूक 390 का, और मोटो ब्लॉगिंग भी मिलेगा, ब्लॉगिंग मिलेगा। और अभी तो फिलहाल काम चलाने के लिए एक लोकल मार्केट से हेलमेट खरीदे हैं, नॉर्मल क्वालिटी का, उतना अच्छा नहीं। बाद में ले लेंगे MT का हेलमेट, देख सकते हो हेलमेट, हेलमेट पे कैमरा लगा हुआ है ये वाला देखो। और मेरा ड्यूक 390 कैसा लग रहा है ये ज़रूर कमेंट पर बताना, देख सकते हो बाइक। I'm gonna touch down. I'm gonna touch down.
तो गाइस आपने हमारा बाइक देख लिया, कैसा लगा आपको हमारा बाइक ये जरूर कमेंट पर बताइए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, छोटा भाई समझ के सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो आपके फ्रेंड के साथ, आपके फैमिली के साथ, आपके रिलेटिव के साथ, वीडियो को ज़रूर शेयर करो क्योंकि हमारा चैनल अभी छोटा है, चैनल को बड़ा करना होगा। तो चलो हमारा बाइक का थोड़ा राइड करके आपको दिखाते हैं कैसा है। तो गाइस मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।